अब 89 साल की उम्र में भी अभिनेता अमिताभ बच्चन के अभिनय में कोई भी कमी नहीं देखने को मिल रही है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में अमिताभ बच्चन रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म बर्माद जैसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो अमिताभ बच्चन की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे उनके अभिनय में और भी निखार आ रहा है। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों का मनोरंजन किया है और अपने शानदार 50 साल से ज्यादा फिल्मी सफर के दौरान उन्होंने काफी नाम और शोहरत भी कमाया। बात करें अमिताभ बच्चन की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की तो अमिताभ बच्चन एक बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं और उन्होंने सदी के महानायक का खिताब ऐसे ही नहीं जीता। इसके पीछे उनकी सालों का संघर्ष भी रहा है। जिस दौर में अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में आए थे वो दौर काफी अलग था। उस दौरान कंपटीशन का दौर ऐसे देखने को मिला कि अमिताभ बच्चन जैसे कई सारे और भी स्टार्स सुपरस्टार का तमगा हासिल करने में लगे थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपने मेहनत और अपने अभिनय के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। उस दौरान अभिनेता अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे तमाम बड़े स्टार्स कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन सबके बावजूद अमिताभ बच्चन ने इन सभी स्टार्स को पीछे कर दिया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मौजूदा दौर में भी अमिताभ बच्चन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। शायद दर्शकों का प्यार ही है कि उन्हें इतना ज्यादा मान और सम्मान मिलता ही रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार कैसे बन पाए? इसके पीछे की एक कहानी भी रही है और इस कहानी के पीछे एक ऐसा भी स्टार रहा है जिसने अमिताभ बच्चन को एक छोटे कलाकार से बड़े सुपरस्टार के रूप में तब्दील किया। ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर डायरेक्टर महमूद साहब थे। यहां हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि महमूद साहब ही इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले अमिताभ बच्चन के करियर को उठाने की जद्दोजहद की थी और महमूद साहब की मदद पाकर अमिताभ बच्चन आने वाले समय में काफी बड़े स्टार्स बने। लेकिन महमूद साहब के साथ अमिताभ बच्चन ने क्या किया? आखिरी दिनों में महमूद साहब अमिताभ बच्चन से खफा हो गए थे क्योंकि महमूद साहब को अमिताभ बच्चन अपना दूसरा पिता मानते थे और महमूद साहब भी अमिताभ बच्चन को अपने बेटे की तरह ही देखते थे। लेकिन आने वाले समय में अमिताभ बच्चन ने ऐसा रवैया महमूद साहब के प्रति दिखाया जिससे महमूद साहब बहुत ज्यादा आहत हुए थे। 29 सितंबर 1933 को मुंबई में जन्मे महमूद अली साहब की बात करें तो ये अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग के लिए एक समय काफी ज्यादा मशहूर हो गए थे और बताया जाता है कि 50 से लेकर 70 के दशक में महमूद साहब इकलौते ऐसे कॉमेडियन थे जिनकी तस्वीर सिनेमाघरों के बाहर हीरो के साथ लगती थी। हालांकि 23 जुलाई 2004 को इनका निधन हो गया और ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में महमूद साहब और अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर महमूद साहब के अगर करियर की बात करें तो शुरुआती दौर में महमूद अली साहब के पिता मुमताज अली बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में काम करते थे। फिल्मों में आने से पहले महमूद साहब मीना कुमार के टेनिस कोच भी हुआ करते थे और डायरेक्टर पीएल संतोषी के ड्राइवर भी रह चुके। लेकिन जब इन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो उनकी किस्मत ही चमक गई। बताया जाता है कि सबसे पहले उन्हें साल 1943 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत में काम करने का बहुत बड़ा मौका मिला और इस मौके को उन्होंने जाया नहीं होने दिया। बताया जाता है कि इस फिल्म में उनके अभिनय को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। अब महमूद अली साहब ने जब पहली फिल्म की तो आने वाले समय में उनके अंदर इतना ज्यादा निखार आ गया कि वो वन मैन आर्मी बन गए। वह कॉमेडियन के साथ साथ एक्टिंग, सिंगिंग, डायरेक्शन में भी बेहतरीन काम करने लगे और धीरे धीरे वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में छा गए। बताया जाता है कि एक ऐसा भी समय आया जब महमूद साहब हीरो से भी ज्यादा रसूख रखते थे और हीरो की फीस से वो कई गुना ज्यादा चार्ज किया करते थे। तो वहीं दूसरी ओर महमूद अली साहब एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत ही दरियादिल इंसान भी थे। वह गरीब और जरूरतमंद लोगों की हमेशा से ही मदद किया करते थे। लेकिन बात करें अमिताभ बच्चन की तो महमूद साहब को अमिताभ बच्चन का भी गॉडफादर कहा जाता है। जब अमिताभ बच्चन को कोई नहीं जानता था तो उस वक्त महमूद साहब ने उन्हें पनाह देकर फिल्मों में काम दिलवाया था। एक बार जब काम ना मिलने पर अमिताभ वापस घर लौटने की सोच रहे थे तो महमूद साहब ही वो शख्स थे जिन्होंने बॉम्बे टू गोवा में उन्हें एक बड़ा मौका दिया था। इस फिल्म के दौरान एक किस्सा भी रहा है। बताया जाता है कि फिल्म के एक सीन के दौरान अमिताभ बच्चन डांस नहीं कर पा रहे थे तो सभी लोग उनका मजाक बना रहे थे। ऐसे में अमिताभ ने महमूद साहब के पैर पकड़े और उन्हें डांस ना कराने के लिए कहा, लेकिन महमूद साहब नहीं माने और उन्होंने कहा कि अमिताभ तू डांस करेगा। इसके बाद बताया जाता है कि अमिताभ ने डांस किया और ये फिल्म शानदार प्रदर्शन भी कर पाई। और बॉम्बे टू गोवा इकलौती ऐसी फिल्म नहीं थी जिस फिल्म के जरिए महमूद साहब ने अमिताभ बच्चन के करियर को उड़ान देने की कोशिश की थी। बताया जाता है कि कई सारी ऐसी फिल्में रही हैं जिन फिल्मों में महमूद साहब की वजह से अमिताभ बच्चन को बड़ा ब्रेक मिला था।
और ये सब मदद पाकर अमिताभ बच्चन भी महमूद साहब को अपना दूसरा पिता मानते थे। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और अमिताभ बच्चन और महमूद साहब के रिश्ते बहुत ज्यादा मधुर हो गए थे। अमिताभ बच्चन जहाँ एक तरफ महमूद साहब को अपने पिता के रूप में देखते थे तो वहीं दूसरी ओर महमूद साहब भी उन्हें अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन आखिरी दिनों में यह भी बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन की कुछ हरकतों की वजह से महमूद साहब बहुत ज्यादा निराश हो गए थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था। महमूद साहब ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि मेरा बेटा अमित आज 25 साल का हो गया है। फिल्मी लाइन में उसने पूरे 25 साल पूरे कर लिए हैं। अल्लाह उसे सेहत दे, उरूरुज पर रखे। दुनिया में दो तरह के पिता होते हैं, एक जो आपको पैदा करता है, दूसरा वो जो आपको कमाना सिखाता है। मैं अमिताभ का वही पिता हूँ। खासकर जिस दिन आदमी को सफलता मिल जाती है उसके दो बाप हो जाते हैं, एक पैदा करने वाला, एक काम सिखाने वाला। अमिताभ बच्चन को लेकर बातचीत करते हुए आगे महमूद साहब इस इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि मैंने अमित को अपने साथ में रख के, घर में रख के काम सिखाया, पिक्चरें दिलाई, पिक्चरों में काम भी दिलाया। अमित भी मेरा बहुत ज्यादा इज्जत करता है, वो कहीं भी बैठा रहे पीछे से मेरी आवाज सुनकर खड़ा हो जाता था। लेकिन आखिर में मुझे इतना ज्यादा अफसोस हुआ उसकी एक हरकत की वजह से। महमूद साहब एक वाक्य का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरी एक बार ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और उस दौरान उनके पिता बच्चन साहब भी गिर गए थे और उन्हें देखने के लिए अमिताभ आया था। अब जिस ब्रिज कैंटी में वो अपने पिता को देखने आया था वहां मैं भी भर्ती था, लेकिन अमित मेरे से वहां मिलने नहीं आया। उसने दिखा दिया कि पैदा करने वाला बाप ही असली बाप होता है और नकली बाप होता है। उसने मुझे विश तक नहीं किया, फूल तक नहीं भेजा, एक छोटा सा गेटवेल सून कार्ड तक नहीं भेजा, ये जानते हुए कि भाईजान भी इसी हॉस्पिटल में है। खैर मैं बाप हूँ उसका और कोई बद्दुआ नहीं दूंगा। आई होप दूसरों के साथ वो ऐसा ना करे। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि महमूद साहब ने अमिताभ बच्चन के लिए क्या नहीं कुछ किया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उल्टा महमूद साहब के बुरे दिनों में ऐसा बर्ताव किया। हालांकि अमिताभ बच्चन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने महमूद साहब से माफी भी मांग ली और बताया जाता है कि इन दोनों के रिश्ते फिर दोबारा से ठीक हो गए थे। आने वाले समय में महमूद साहब की सेहत में लगातार गिरावट आने लगी और वो कई सारी गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो गए थे। बताया जाता है कि लंदन के अस्पताल में 23 जुलाई 2004 को उनका निधन हो गया।